फ्रॉम उज्बेकिस्तान और आई एम फ्रॉम उज्बेकिस्तान. नमस्ते. नमस्ते. तो गाइस कोई भी फॉरेन कंट्री में जाता हूँ मैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट जो मेरे लिए रहता है वो है पानी. सच कह रहा हूँ, पानी 2000 सोम आधे लीटर का है और 2500 सोम एक लीटर का है. अगर एक लीटर के रेट की बात करूँ तो 2500 सोम होता है 17 रुपया इंडियन करेंसी में, तो आप समझ सकते हो कि बहुत सस्ता है. यही चीज़ नेस्ले कंपनी का यही चीज़ रशिया में 70 से 80 रुपये का था, तो आप समझ सकते हो काफ़ी एक्सपेंसिव था रशिया, और यहाँ पे काफ़ी चीप है उज़्बेकिस्तान में. आपका पॉकेट मतलब बंद नहीं होगा. जैसे कि कोका कोला देख लो, 4000 सोम का ये तकरीबन 30 रुपया भी नहीं होता है. तो मतलब मेरे को रेट काफ़ी अच्छा लग रहा है फिलहाल, बहुत चीप हो रहा है मेरा उज़्बेकिस्तान. जैसे कि मान लो आधा किलो ये पास्ता है, ये 8000 सोम का है. 8000 सोम मतलब तकरीबन हो गया 60 रुपया. 60 रुपीज़ का आधा किलो बहुत सस्ता है मेरे हिसाब से. इंडिया में तो ये पक्का महंगा रहेगा. अगेन दिस 400 ग्राम 5200 सोम, यानी कि तकरीबन 38 रुपीज़ का. तो मेरे हिसाब से ये बहुत सस्ता है उज़्बेकिस्तान में. अब यहाँ पे बिस्किट्स है, ये मल्टीग्रेन बिस्किट जैसा कुछ लग रहा है, 8000. अगेन 60 रुपीज़ का ये पैकेट है पूरा. ये सारी चीज़ें $1.5 के आसपास है, मतलब 100 रुपये के आसपास है. अगेन दिस 100 रुपये के आसपास है. ये 7000 सोम 6000 सोम मतलब मान लो तकरीबन 40-45 रुपीज़ के. ये गेहूं का बना हुआ स्नैक है पूरा, वेजिटेरियन के लिए सब बेस्ट चीज़ है. ये भी अगेन 40 रुपये की चीज़ है, तो बहुत सही है. मतलब या तूर दाल है या चने की दाल है, तूर दाल है करेक्ट. ये है 40 रुपये किलो, 1 kg लिखा हुआ है. ये चना है, ये $2 है एक किलो, मतलब 140 रुपये किलो, 150 रुपये किलो बेसिकली. मूँग है कितना होता है ये, इसका रेट मेरे को नहीं पता. हाँ ये सस्ता है, इसका मेरे को इंडियन का नहीं पता है, कंपेयर करके सस्ता है कि महंगा है मुझे नहीं पता. ये तकरीबन हो गया आपका 90 रुपया किलो मूंग. ये एयरविक के रूम फ्रेशनर है, ये तकरीबन है 60 रुपीज़ के आसपास, ज़्यादा महंगा नहीं है, 60-65 इंडियन करेंसी में. वाओ ठीक है, मतलब एक टूर देना था, छोटा सा जनरल स्टोर है कि यहाँ पे भी रेट्स कैसे होते. या हो क्या, मैं आपका वेट कर रहा था. चलो चलो. स्टेशन का नाम क्या है वो जहाँ से टिकट लेनी है? हाँ वो वॉक्जल. वॉक्जल कौन सा वॉक्जल? दो वॉक्जल है इधर को. हाँ एक जनूबी वॉक्जल है. हाँ जो 4-5 घंटे में पूछ जाएंगे. समरकंद दो वॉक्जल है ना ट्रेन. हाँ दो किस्म का ट्रेन है. अच्छा दो किस्म का ट्रेन है, बुलेट ट्रेन दूसरे स्टेशन से जाती है, नॉर्मल ट्रेन दूसरे. अच्छा बेसिकली अभी मेरे को परसों समरकंद जाना है ताशकंद से समरकंद. कितना 3 घंटे का रास्ता है? 3 घंटे. बुलेट ट्रेन में 2.5 घंटे के आसपास का रास्ता है, नॉर्मल ट्रेन में 4 घंटे का रास्ता है. तो दो स्टेशन है यहाँ पे ताशकंद में, एक स्टेशन है बुलेट ट्रेन के लिए और एक स्टेशन है नॉर्मल ट्रेन के लिए. बुलेट ट्रेन तकरीबन $10 की है, यानी कि 700-750 इंडियन रुपीज में मिल जाती है. अरे अंधेरा हो गया. हो गया बढ़िया. रशिया में बुलेट ट्रेन जा नहीं पाए थे, ना टिकट मिल रही थी और रेट में भी नहीं बैठ रहा था. और यहाँ फाइनली अगर मौका मिला, बिकॉज क्या है ना इतना सस्ता टिकट है तो आपको भी पता है कि कितना पड़ा पड़ी होती है. और ये जब हॉट सेलिंग रूट्स रहते हैं उसकी टिकट नहीं मिलती है. तो हॉस्टल वाले भाई साहब भी बोले, ये भी मेरे को बोले कि भाई करा दो टिकट, 2 दिन बाद जाना है तो आज ही करा दो. तो बस हम स्टेशन ही जा रहे हैं और फटाफट टिकट बुक कर देते. अच्छा बाय द वे नजीम भाई है, ऐसे तो अफगानिस्तान के है लेकिन रहते यही है उज़्बेकिस्तान ताशकंद में. तो इन्होंने कहा कि चलो मेरी गाड़ी से मैं आपका टिकट वगैरह सब करा देता हूँ और 2-3 अट्रैक्शंस भी रात में घूम लेंगे, बिकॉज यहाँ है गर्मी, दिन में ज़्यादा घूम नहीं पाऊंगा मैं भी, क्योंकि मेरे को भी आज बहुत गर्मी लगी, धूप बहुत थी. लेकिन ठीक है, सो फार सो गुड, अभी अच्छा लग रहा है. रात का समय है, ऐसे तो 30-36 डिग्री हो रहा है और रशिया से आया हो तो रशिया में थोड़ा ठंड था, गुलाबी ठंड थी, तो अचानक से आया तो थोड़ा ज़्यादा गर्मी तो लगेगा ही.
लेकिन एक फायदा होता है, कभी भी आप कोई भी देश से जाते हो फिर सेकंड कंट्री जाते हो और अपोजिट होता है ना, काफ़ी चीज़ें एक्सपीरियंस आपके लिए न्यू ही हो जाते हैं, आप एकदम वापस से पावर अप हो जाते हो, चार्जअप हो जाते हो। फॉर एग्जांपल रशिया से ये उज़्बेकिस्तान काफ़ी फ़र्क है, वहाँ पे इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत है, यहाँ पे इतनी दिक्कत नहीं है, लोगों को थोड़ा समझ आ जाता है। वहाँ पे कॉस्टली है, बहुत कॉस्टली है, और यहाँ पे बहुत चीप है, इंडिया के जैसे रेट है या फिर इंडिया से चीप है। वहाँ पे ठंड थी, यहाँ पे गर्मी है, मतलब काफ़ी चीज़ें फ़र्क है। इसके ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ट्रिप पे ट्रिप किया जा रहा हो, थक गया हो, ऐसा लग रहा है न्यू एक्सपीरियंस ही हो रहा है, तो मज़ा आ रहा है। तो गाइस इस वक्त हम हैं मैजिक सिटी के बाहर, एक ये ऐसी जगह है जो नई नई खुली है ताशकंद सिटी में और काफ़ी लाइवली है, काफ़ी हैपनिंग जगह है। अभी बजे रात के 10 और रात के 11 बजे तक ये चालू रहता है, फिर भी इतनी भीड़ है, मतलब बाहर तो इतनी सारी भीड़ है, पब्लिक अच्छी खासी बैठी है और अंदर भी काफ़ी भीड़ मुझे लग रही है। तो लेट्स गो इनसाइड बिकॉज ज़्यादा समय है नहीं, तकरीबन एक घंटा ही अपने पास एक्सप्लोर करने के लिए। बहुत अच्छी शानदार बनाई है बाहर से, रियल में एकदम लाइटिंग्स और पब्लिक वगैरह सब अच्छा लग रहा है, अंदर से मेरे हिसाब से बहुत मज़ा आने वाला है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है एंट्री, इसका कोई चार्ज नहीं है, और नजीम भाई ने मेरे को टिकट करा दी जाने की ना, नॉर्मल ट्रेन से हुई है, उसका मेरे को 80,000 यानी कि $8 लगा, और आने का 1,05,000 या फिर कह सकते हो $10 के आसपास बुलेट ट्रेन में मिल गई। तो फिर जाने में समरकंद में एक नई ट्रेन का एक्सपीरियंस होगा, और आने समरकंद से वापस जब ताशकंद आओगे तो एक अलग ट्रेन का एक्सपीरियंस होगा। जा रहा हूँ परसों और आ रहा हूँ 2 दिन रुककर, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। समरकंद बहुत ब्यूटीफुल जगह है, वहाँ पे भी मज़ा आएगा। और ना मैं आपको भी यही रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप टिकट करो तो 2-3 दिन पहले ही एटलीस्ट ट्रेन की टिकट कराना, वरना बुलेट ट्रेन तो 4-5 दिन पहले तक फुल ओवरसोल्ड हो जाती है, उसके बाद टिकट मिलती नहीं है। तो प्लीज़ हमेशा 3-4 दिन पहले टिकट कराना टिकट काउंटर पे जाके। मैं आपको एड्रेस दोनों का, एक बुलेट ट्रेन का और एक नॉर्मल ट्रेन का, जो भी है दोनों का एड्रेस यहाँ पे स्क्रीनशॉट गूगल मैप का ये दे दूंगा, ताकि आपको भी आसानी हो और जब भी आओ आप तो आप यहाँ से टिकट ले सको। तो चलो मैंने एंटर कर लिया है और अपना मेन काम आज का टिकट का हो गया बेसिकली, और एक ये बेहतरीन जगह भी हम आज एक्सप्लोर करने वाले हैं जिसे कहते हैं मैजिक सिटी। लेट्स गो। गाइज आप सोच सकते हो कि ये फ्री की जगह है, फ्री में एंट्री है, ना कोई टिकट ना कुछ, एकदम न्यू ओपनिंग है, ज़्यादा महीने हुए नहीं है, लेकिन यार ऐसी जगह वो भी फ्री एंट्री मेरे को समझ के बाहर है। इसका कम से कम अगर $5 भी रखते फिर भी पब्लिक आती, रियल में आती, मैं खुद आता $5 में, क्योंकि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा बनावट, ऐसी लाइटिंग, ऐसा क्लीनलीनेस, ऐसा सब कुछ, एम्बियंस कलरफुल, और क्या चाहिए रियल में फ्री वाली जगह ऐसी। मैं तो बोलूँ हर जगह हो, हर देश में हो, हर शहर में हो।
इतनी भीड़ में अगर आई गया हो तो मास्क पहनना ही सेंसिबल लग रहा है। अच्छी अच्छी राइड्स थी, फ्री फॉल था और हल्का सा एक दो चीज़ें और थी, कुछ बच्चों के लिए थी, अच्छा था। $2-2.5 चार्ज था लेकिन अच्छा था। Hi. Hi. You from Uzbekistan all? I am from Uzbekistan. Namaste. Namaste. What's your name? Name? My name is Nilufar. Nilufar. Hafiza. Hafiza. Barno. Barno. Feruza. Feruza. And this cute? Iroda. Iroda. Nice to meet you all. One brother. The five sisters and one brother. Yeah. Wow. ये सब छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढ के एंजॉय करना है, उसका मजा ही सच में अलग है। पता है हम बचपन में वो सब गेम खेलते थे, जैसे लाइन बना दिया और जंप किया, जिसने लंबी चलान लगाई वो जीते वगैरह। कोई भी उम्र हो, एक बार अपने फ्रेंड्स के साथ मिल गए या फिर कजिन्स के साथ मिल गए या फिर सिबलिंग्स के साथ मिल गए, बाहर गए, एंजॉय करो, चाहे कैसा भी गेम हो, कुछ भी हो, और लाइफ के पलों को खुल के जियो। ऐसा जरूरत नहीं है कि ज्यादा पैसा खर्चा करके करो, अब ये फ्री की जगह है, उसमें आप इतना तरीके से एंजॉय कर सकते हो। और गाइस यही तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है लाइफ में, कि खुश रहो और बिना एथिक्स तोड़े और बिना किसी को हार्म करके। बस लाइफ का यही मोटो है, खुश रहो, खुशियां फैलाओ। मेरे को सच बताओ तो ये रोड्स बहुत अच्छे लगे, देखो ना एकदम मस्त स्टेबलाइजेशन, अगर प्रॉपर हो कैमरा का तो एकदम मस्त ऐसे लगता है 3D में कुछ वीडियो बन रहा है। नहीं चलो, एग्जैक्ट 11 बज गए और लाइटिंग्स भी बंद हो गई और पब्लिक भी रवाना हो गई है। ऑलमोस्ट सिर्फ 5% पब्लिक रही है, वो भी अभी रवाना हो ही रही है। मोटा मोटी सब कुछ बंद हो गया है एग्जैक्ट टाइम पे 11 बजे।